तो अभी अभी हमारे पास है जियो का फ़ोन, देख सकते हैं आप लोग, और इसमें वोडाफोन का सिम चल रहा है, वोडाफोन का नेटवर्क आप लोग देख सकते हैं। और ये हमने किस तरह से ये इसको अनलॉक करना है नेटवर्क इसका, या आज के वीडियो में यही आप लोगों को बताऊँगा। और देख सकते हैं आप लोग, ये जियो का F90M मोबाइल है और इसमें हमने वोडाफोन का सिम डाला है और इसमें नेटवर्क आ रहा है और ये मोबाइल चल रहा है। तो किस तरह से इसको अनलॉक करना है यही मैं आप लोगों को बताऊंगा आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें मिरेकल बॉक्स ओपन करना है। मिरेकल बॉक्स आप क्रैक में भी ये वर्क करता है, मिरेकल बॉक्स और की पे भी ये वर्क करता है, दोनों पे ये वर्क करेगा। क्रैक है तब भी आपका काम हो जाएगा, आप इसको अनलॉक कर सकते हैं नेटवर्क इसका कोई और सिम चलाने के लिए। तो सबसे पहले हमें मिरेकल बॉक्स ओपन कर लेना है, और मिरेकल बॉक्स ओपन जब हो जाए हमारा, उसके बाद हम चले जाएंगे कॉलकम वाले टैब पे, हमें क्लिक करना है। मिरेकल बॉक्स में आपको कॉलकम वाले टैब पे जाना है, यहाँ से हमें ब्रांड में सेलेक्ट कर लेना है लाइफ। यहाँ पे आप लोग स्क्रॉल डाउन करके जाएंगे तब यहाँ पे आपको ब्रांड में मिल जाएगा लाइफ का, और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे लाइफ, और मॉडल में हम F90M सेलेक्ट कर लेंगे। अगर क्रैक में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग वैसे भी कर सकते हैं बिना सेलेक्ट किए। और यहाँ पे हम ऑटो प्रोग्रामर को अनसेलेक्ट करके यहाँ से हम प्रोग्राम फाइल सेलेक्ट कर लेंगे, जो फाइल आप लोग डाउनलोड करेंगे, जो मैं लिंक जिसका डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वही फाइल आपको डाउनलोड करना है, और वहाँ से उस फाइल को एक्सट्रैक्ट करके रख लेना है, और उसी फाइल में हमें जाना है, और वहाँ पर सबसे ऊपर वाली फ़ाइल हमें इस तरह से यहाँ जैसे आप देख सकते हैं यही फाइल हमें सेलेक्ट करना है। और फाइल सेलेक्ट कर लेने के बाद हमें मोबाइल को ऑफ़ करके वॉल्यूम अप और डाउन की दबा करके USB से कनेक्ट करना है। जब हम मोबाइल को वॉल्यूम अप और डाउन की दबाकर USB से कनेक्ट करेंगे तो उसके बाद हम यहाँ पोर्ट पे क्लिक करेंगे, तब ये इस तरह से आपके सामने दिखाई देगा, मतलब हमारा मोबाइल कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद हम रीड पार्टीशन पे टिक रहने देंगे और यहाँ पे हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। जब हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तब ये इसका पार्टीशन रीड करना स्टार्ट हो जाएगा, और हमें तब तक वेट करना है जब तक ये पूरी तरह से रीड नहीं हो जाता। और जब ये रीड हो जाएगा और उसके बाद हमें वाइप सेलेक्टेड पे हमें टिक कर देना है, और फिर से हमें स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। जब हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तब ये हमारा पूरा मोबाइल फॉर्मेट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम यस कर देंगे, और जब यस कर देंगे तब ये मोबाइल हमारा फॉर्मेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और हमें वेट करना है जब तक कंप्लीट मोबाइल हमारा फॉर्मेट नहीं हो जाता, तब तक हमें वेट करते रहना है। और दोस्तों, अभी आप लोग देख सकते हैं ये हमारा मोबाइल फॉर्मेट हो रहा है, और जब तक फॉर्मेट नहीं होता हमें वेट करना है। और दोस्तों, एक बात और, सबसे पहले आप लोग चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ में बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा मोबाइल रिपेयरिंग से संबंधित ऐसे ही वीडियो हमेशा अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। और आप लोग सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए। तो दोस्तों, अभी आप लोग देख सकते हैं इसकी फॉर्मेटिंग स्टार्ट हो गई है, जब तक ये कंप्लीट फॉर्मेट नहीं होता तब तक हमें वेट करना है। और दोस्तों, वीडियो आपको कंप्लीट देखना है, अगर आप वीडियो कंप्लीट नहीं देखेंगे तब आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, दोबारा से आपको वीडियो ढूंढ के देखना पड़ेगा। और जब ये फ्लैशिंग हमारी यहाँ पर, ये फॉर्मेटिंग हमारी यहाँ पर जब तक नहीं होती तब तक हमें वेट करते रहना है। और इसके बाद जब ये फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको बताएंगे किस तरह से क्या करना है। ये फॉर्मेट कंप्लीट होने के बाद दोस्तों मोबाइल हमारा पूरी तरह से डेड हो जाएगा, ऑन नहीं होगा, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मोबाइल आपका ऑन हो जाएगा। आप लोग बस वीडियो कंप्लीट देखते रहिए किस तरह से क्या क्या करना है, और मोबाइल आपका अनलॉक भी हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, अगर आपके पास लेटेस्ट क्रैक है तो उस पर भी ये काम करता है, और अगर ब्रांड में नहीं दिखाता लाइफ का मोबाइल तो वहाँ पे आप लोग यूनिवर्सल पे रहने देंगे। और यहाँ पे मॉडल भी आप अगर नहीं है तो सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप वही प्रोग्रामर फाइल केवल सेलेक्ट कर लेंगे तो आपका काम 100% हो जाएगा। और ये मोबाइल जब फॉर्मेट हो जाएगा तब उसके बाद आप लोगों को दिखा देंगे किस तरह से इसको फ्लैश करना है, और उसके बाद अगला प्रोसेस क्या करना है, क्योंकि फ्लैशिंग करने के बाद भी इसमें एक प्रोसेस है वो भी करना है। इसलिए आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिएगा, नहीं तो आप लोग मोबाइल आप लोगों का हो सकता है डेड हो जाए या और भी कोई समस्या आ सकती है। तो इसलिए हमें ये वेट करना है, जब ये हमारे मोबाइल की फॉर्मेटिंग कम्प्लीट हो जाएगी, सारा पार्टीशन इसका डिलीट हो जाएगा, और डिलीट होने के बाद जब मोबाइल हमारा डेड हो जाएगा उसके बाद अगला प्रोसेस हम आप लोगों को बताएंगे क्या करना है, कैसे इसको ऑन करना है और किस तरह से इसका नेटवर्क अनलॉक करना है।
तो अभी आप लोग देख सकते हैं ये फॉर्मेटिंग हमारी कंप्लीट होने वाली है, ये हमारी फ्लैशिंग फॉर्मेटिंग हमारी कंप्लीट हो गई, मोबाइल हमारा पूरी तरह से डेड हो गया। इसके बाद मोबाइल को हम डिस्कनेक्ट करेंगे। मोबाइल को डिस्कनेक्ट करने के बाद हम जाएंगे फ्लैशिंग वाले टैब पे और यहाँ से हमें ऑटो पे अनटिक कर देना है और यहाँ पे हमें प्रोग्रामर फाइल सेलेक्ट करना है सबसे ऊपर वाली, और उसके बाद हमें यहाँ पे रैप प्रोग्राम फाइल सेलेक्ट करना है, ये भी तीसरे नंबर की फाइल जो है इसको सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे हमें पैच फाइल को सेलेक्ट करना है। ये पैच फाइल एक ही होती है इस मॉडल में, और यही पैच फाइल आपको सेलेक्ट कर लेना है और मोबाइल को डिस्कनेक्ट करके दोबारा से आपको ईडियल मोड में लगाना है, वॉल्यूम अप और डाउन की दबा के साथ में USB को लगाना है। पोर्ट पर क्लिक करेंगे जैसे ही ये दिखाने लगेगा, उसके बाद यहाँ न्यू मेथड पे हम अनटिक कर देंगे और उसके बाद स्टार्ट बटन पे हम क्लिक कर देंगे। जब हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तब ये हमारी फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी, और हमें वेट करना है जब तक फ्लैशिंग हमारी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाती है। और जब ये फ्लैशिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हमारा मोबाइल ऑन हो जाएगा, मोबाइल ऑन होने लगेगा। लेकिन उसके बाद अगला प्रोसेस एक प्रोसेस और करना है, वो आप लोगों को बताऊँगा। तब तक आप लोग वीडियो देखते रहिए, जब ये फ्लैशिंग जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हमें वेट करते रहना है। और अभी आप लोग देख सकते हैं इसकी फ्लैशिंग स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिए, यहाँ पे आपको ऑटो जो है यहाँ पे आपको अनटिक करना है, और यहाँ पे आपको प्रोग्राम फाइल, पैच फाइल और ये रा प्रोग्राम सारी फाइल आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, और न्यू मेथड पे आपको अनटिक करना है। न्यू मेथड पे अगर आप टिक करके फ्लैश करेंगे तब आपका मोबाइल पूरी तरह से फ्लैश नहीं होगा और मोबाइल आपका ऑन नहीं होगा, इसलिए आपको न्यू मेथड पे अनटिक करना है और उसके बाद आपको स्टार्ट बटन दबाना है। और जब आप स्टार्ट बटन दबाएंगे तब इस तरह से फ्लैशिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी, और जब तक ये फ्लैशिंग पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक हमको कुछ नहीं करना है, बस वेट करना है। और फ्लैशिंग कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है वो आप लोगों को आगे मैं बताऊँगा। जब तक इसकी फ्लैशिंग नहीं हो जाए तब तक आप लोगों को वेट करते रहना। और दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहे और आप लोग ऐसे ही वीडियो मोबाइल रिपेयरिंग संबंधित हमेशा देख पाएँ सबसे पहले। और जब इसकी फ्लैशिंग कम्प्लीट हो जाएगी दोस्तों, तो जब फ्लैशिंग इसकी कम्प्लीट हो जाएगी पूरी तरह से, अभी फ्लैशिंग इसकी कम्प्लीट होने वाली है, और जब फ्लैशिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मोबाइल आपका ऑन हो जाएगा और मोबाइल में आपके IMEI 0 हो जाएगी। उसके बाद आपको मोबाइल में IMEI राइट करना है, उसका वीडियो मैं आप लोगों को दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग जाकर देख लीजिए किस तरह से आपको IMEI उसकी राइट करवानी है। उसके बाद जब आप IMEI राइट करवा देंगे उसके बाद मोबाइल आपका अनलॉक हो जाएगा।